ओ म ज्ञान तिम्रन्धस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतलै स्वयं रूपकदामयम् ददास्वदातिक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिंदीअद्वैत गाधर श्रीवासदि गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा, ब्रह्मा जी सम्मोहित होने के बाद फिर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान की स्तुति करते हैं दशम स्कंद के चौदहवें अध्याय में पहले श्लोक से चालीस श्लोक ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जिसको श्रील प्रभुपा जी ने सबसे आखिरी अध्याय जो अनुवादित किया था वो ये है और उसके अंदर ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर सुंदर भावनाएं व्यक्त करते हैं साधारण तौर पर जब प्रार्थनाएं आती तो हम उसको बाजू में रखकर आगे लीला पढ़ने में चले जाते लेकिन ब्रह्मा जी की प्रार्थना में सृष्टि के ब्रह्मांड के प्रथम जीव होने के नाते वो सर्वोच्च साक्षात्कार प्रकट कर रहे हैं उसमें से एक अनंत रत्नों में से एक रत्न हम आज चर्चा करेंगे वो ये है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भगवान पृथ्वी पर आकर लीला करते हैं केवल इसके लिए कि जीव आपकी लीलाओं को देखकर आकर्षित हो और आपके पास जाने के लिए प्रेरित हो उसे प्रेरणा मिले कि वो आपके साथ जुड़ जाए और अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं है आपका बाकी साधुओं को बचाना और राक्षसों का संघार करना धर्म का स्थापन करना ये सब दुयम उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य जो है वो लीलाओं को संपन्न करके प्रकट करके सभी बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना है और इन लीलाओं का जो श्रवण करता है और उसमें डूब जाता है उसके हृदय में भगवान बस जाते हैं हे भगवान आप उसके हृदय में बस जाते हो अपना स्थान बनाते हो वो हृदय तीर्थ हो जाता है धाम हो जाता है जो तीर्थ जो हृदय भगवान की लीलाओं का श्रवण करके भगवान को अपने हृदय में प्रस्थापित करता है पर आमतौर पर साधारण तौर पर हम ये देखते हैं कि भगवान की लीलाएं बार बार सुनने पर भी हमें वो आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है इसका सुंदर कारण बताया गया है कि स्टोरीज किसकी सुनने अच्छी लगती है स्टोरीज हमें सुनने को उनकी अच्छी लगती है जिन पर हमारा प्रेम है जैसे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि माता को ना उनके संतान के प्रति कथा कहने में और सुनने में इतना आनंद लगता है जिसके घर में नया बालक हो गया हो उसके घर में आप जाओ आपको सब बताएंगे कि कैसे उठा कैसे उठता है कैसे ध्वनि करता है फिर कैसे हंसता है फिर वो भूख लगने पर कैसे रोता है फिर अभी उल्टा होने लगा है आपको इतनी कहानियां सुनाएंगे कि आपको उसको सुनकर बोर हो जाएगा लेकिन वो माता जो है उसमें बिल्कुल बोर नहीं होती है वो दिन रात उस बालक के बारे में स्टोरीज जो है वो कह सकती है सुन सकती है क्यों क्योंकि बालक के प्रति माता के मन में ममत्व है ममत्व का मतलब ममता प्रेम है जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी कहानियां सुनने को अच्छा लगता है अगर पड़ोसी का बालक एग्जाम में फर्स्ट आया और वहाँ से पढ़ के पढ़ने के लिए अमेरिका गया तो पड़ोसी की जो पत्नी है वो उसका गौरव करते करते नहीं थकेगी लेकिन आपको उसको सुनकर इतना आनंद नहीं आएगा हो सकता है असूया मन में द्वेष मन में उत्पन्न हो तो क्योंकि एक जगह पर प्रेम है और एक जगह पर द्वेष है कथा हुई है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के पृथ्वी ममता ममत्व अपनापन सुरुद्ध स्वभाव निर्माण होना चाहिए तब जाकर ये भगवान की कथा जो तो सर्वतोपरी सर्व कल्याणकारी है वो तो हम पर असर करेगी इस कथा का उद्देश्य भगवान को हृदय में स्थित करना है वो सफल हो जाएगा तो इसलिए हम जप करते हैं इसलिए हम सत्संग करते हैं इसलिए हम वैष्णव सेवा करते हैं इसलिए हम विग्रहों की पूजा करते हैं इसलिए हम धाम में जाते हैं इसका कारण यह है कि ये नकार वो परम भगवान परमात्मा श्री कृष्ण गोलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक उसके प्रति कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाए ममता उत्पन्न हो जाए अपनापन उत्पन्न हो जाए और ये अपनापन के बिना जो लोग कथा सुनते हैं उनको उनके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता है इसलिए भारत में बहुत लोग हैं जो कथा सुननी चाहिए इसलिए कथा सुनते हैं ऑर्गेनाइज और भी करते हैं बहुत खर्च भी करते हैं लेकिन उनको स्वयं उनको उसमें रुचि नहीं आती क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति एक ऐसा ऑफिशियल भाव है ममता और प्रेम का भाव नहीं है तो सारांश में कहा जाए तो जिसकी कथा हम सुनते हैं उसके प्रति हमें उसके प्रति हमें मन में ममता होनी चाहिए प्रेम होना चाहिए आसक्ति होनी चाहिए सर्वदयता होनी चाहिए फिर वही कथा एक ही कथा हमें जीवन से पार कराने के लिए पर्याप्त है ब्रह्मा जी कहते हैं कथा डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए लेकिन ये डूब कर कहना सुनना तब होगा जब उसके प्रति प्रेम होगा आइए रज हृदय से प्रेम से जब करें जो हमारे जन्म जन्मांतर के सुरुद हैं उनके बारे में सुने कि सब कुछ लोग सब प्रकार के लोग अपना अपना कहते हुए साथ छोड़ देते हैं हमारी संगत छोड़ देते हैं लेकिन भगवान जन्म जन्मांतर तक हम किसी भी योनी में किसी भी लोक में किसी भी अवस्था में जन्म ले हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं इसलिए भगवान जैसा सुरुद इस विश्व में इस इस अस्तित्व में इस निर्माण में इस क्रिएशन में सृजन में कोई नहीं ये जानते हुए कम से कम उन पर थोड़ी सी माया ममता हमें करनी चाहिए और उसके साथ में कथा सुननी चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरी 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 राम हरि राम 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 हरे हरी कोई प्रश्न है किसी का धन्यवाद